वाह, कभी कभी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है बिकॉज आई वॉजन फीलिंग वेल, लेकिन आप लोगों को देख के सब यहाँ पर इतनी जबरदस्त ईद मन रही है। और सच में यार, मैं सच बता रहा हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, बिकॉज जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के कहने पर आ जाते हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, हम इंडिया की बातें तो करते हैं, फिल्म्स की बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं, लेकिन हमारा आर्टिस्ट, हमारा फनकार, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ही इज उसको वो हमारा जो फनकार है ना, वो प्यार का भूखा होता है और कुछ भी नहीं चाहिए होता उसको। आई मीन वी टॉक अबाउट बीइंग प्रोफेशनल्स, ऑफ कोर्स वी शुड, वी मस्ट। बेखाब जिंदगी का तलबगार कौन था, इतनी उदास रात में बेदार कौन था, 100 किश्तियां जला के चले साहिलों से हम, अब तुमको क्या बताएं कि उस पार कौन था। आप हुकूक, हक, सबको हक है ईद मनाने का, मनाइए माशाल्लाह। आपको यहां इनको भेजा किसने, प्लीज बताइए मुझे। मैं आया हूं, मैं आपसे एक सवाल करने के लिए। सर, पहले मेरे वालिद चले गए दुनिया से, फिर मेरी वाला गई, औलाद कोई नहीं थी, बीवी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। छोटा सा सवाल है, क्या मुझे हक है ईद मनाने का, मुझे अकेले, मैं अकेला, इसका जवाब दीजिए मुझे, कोई नहीं है मेरा दुनिया में, 100 कश्तियां जला के चले साहिलों से। आपने कभी किसी को अपना बनाने की कोशिश की है? नहीं, आप क्या समझते हैं, दुनिया में हर शख्स किसी ना किसी को अपना बनाने की कोशिश करता है, कोई अपना बन जाता है, कोई नहीं बनता। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे साथ एक जमे गफीर होता है लोगों के साथ, उसमें लोग शामिल होते हैं, मैं अकेला आदमी, मेरे साथ कौन आएगा, मुझे ये देख कर छोड़ दिया गया कि अकेला है, इसके साथ क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, इसलिए कोई नहीं मेरे साथ, कोई चलता ही नहीं मेरे साथ। सर, हमें ना आपके साथ, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? वरीड तो नहीं हूं, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? कम हियर, लेट मी इंट्रोड्यूस यू। आइए, मैं आपको मिलवाता हूँ, इन सबसे मिलवाता हूँ। ईद तो ऐसा त्यौहार है जो हम सबको साथ मनाना चाहिए ना। ये है मजान जेब, बैठिए। ये मिसेस सलीम है, कैप्टन सलीम है, उनकी बेटी है, साहबजादी है, बैठिए। ये अबरारुल हक है, बैठिए। ये अंबर वाजिद है, वो किरण है, एनरू हसन इज़मी है, और सर, सो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वी आर ऑल विद यू। थैंक यू, हम सब साथ ही, हमें पराया कर दिया। बल्कि आपके समझने की बात थी। बल्कि इनफैक्ट आप यहाँ अबरार के साथ बैठिए, प्लीज प्लीज सर, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। सर, इनके बारे में कुछ कहूँ? सर प्लीज, किसी ने कहा था, मैं रिपीट करता हूँ, प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो, इरेज आउट द रिटन ट्रबल्स ऑफ द ब्रेन एंड विद सम स्वीट ऑब्लिवियस एंटीडोट, क्लीन द स्टफ बोसम ऑफ द पेरिलियस सब्सटेंस व्हिच वेज अपॉन द हार्ट। सारी कौम आपके साथ है और हम अकेला अकेला शख्स मिलके एक कौम बनती है, हमारी कौम के अंदर तो प्यार करने की इतनी कैपेसिटी है, आपको अकेला कभी फील करना ही चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, किसी को पकड़ लें आपके साथ बैठ, वो आपके साथ जज्बात, आपके साथ प्यार, आपके साथ एहसास शेयर करेंगे। इतने प्यारे बंदे के शो में आप आए, ऐसा ना फील करें। इनके बल्कि आज इस बात से ये साबित होता है कि इंसान एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। देखे, अकेला इंसान कुछ भी नहीं है, यू ऑलवेज नीड कंपनी। पेशावर में एक बाजार है, उसको किस्सा खवानी बाजार कहते हैं, वहाँ पर कहवे पे लोग जमा हो जाया करते थे और दास्तानें सुनाया करते थे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बाजार वीरान होता चला गया, वो किस्से ख़त्म हो गए। मैं जब अपने बचपन में था तो मैंने कहानियाँ सुनी थी उस किस्सा खवानी बाजार की, जहाँ लोगों को एक दूसरे का हाल पता चलता रहता था, लोग आते थे, लोग बैठते थे, एक दूसरे के दुख सुख को शेयर करते थे। हैरतअंगेज़ बात यह है कि हम भूल जाते हैं कैसी एक जगह है जहां हम एक दूसरे के दुख सुख को शेयर कर लेते हैं। पांच वक्त
आपको वो जगह आवाज देती है। पांच वक्त वहां से अल्लाह अकबर की सदा आती है, आप उसमें लब्बैक कर सकते हैं। खुदा सजदों में नहीं मिला करता, बंदों में रहता है। इसलिए वो लाजवाल है, वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने हुकूक माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे बंदे की आंख का आंसू समझने की कोशिश कर। और एक बात, या मेरी इस बात से ये मतलब मत समझिएगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं, नहीं, बंदा खुदा का वो भी है जो उसे मानता है, वो भी है जो उसे नहीं मानता, खुशी वो भी मनाता है जिसका त्यौहार होता है, और उसे भी खुश होने का पूरा हक है जो उस त्यौहार में शामिल नहीं होता। सब उसके रंग हैं, हमें क्या पता कि हम कौन हैं। हम खाक हैं सो खाक हो जाएंगे। आज ईद का दूसरा दिन है, मैं पागल सरफिरा आदमी पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिशों में लगा रहता हूं। By now you know that this person who is actually here is none other than Khalid Nizami Sahab. This is just a character that he portrayed. Why did he portray that character? क्यों? उसका रीजन सिर्फ एक है। अपने गली अपने मोहल्ले में झांकिए, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे इस ईद पर आप गले मिल सकते हैं? और ये ईद इब्तिदा होनी चाहिए उस गले मिलने की। हम ही तो एक दूसरे के काम आएंगे ना। अगर हम ही एक दूसरे से पूछना भूल गए कि हम कैसे हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता। मैं 14 साल बाहर रहा हूं, उस माशरे में पला बढ़ा हूं, लेकिन मेरे अंदर से, मेरे वजूद से मेरी मट्टी को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जब आप मगरिब में रहते हैं और वाकई रहते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि मगरिब में भी वही कुछ है जो मशरक में है। दुनिया के किसी हिस्से चले जाए, किसी से मिलने, इंसान सिर्फ इंसान होता है, तन्हाई सिर्फ तन्हाई होती है। वो चाहे किसी ईसाई की हो, किसी हिंदू की हो, किसी मुसलमान की हो, लोगों को तन्हा होने से बचाए। ईद खुशियों का नाम है, आइए मिलके खुशियां मनाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और वो हम इंसानों का रब है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज अगर रंग रंग हो जाए, आई थिंक इसमें होना चाहिए, होना चाहिए, बल्कि मैं कहती थी बहुत ज़्यादा, इतना हम लोग पहले लाइवली थे और हैप्पी, अब थोड़ा उदास हो गए, तो क्यों ना इनकी जो ईद है कम से कम ऐसी यादगार बनाएं कि इनको याद रहे। अल्लाह गुल्ला, और आपकी इजाज़त से मैं भी एक यही पैगाम देना चाहता हूँ। मैं शायर अपने हॉस्पिटल में वो बच्चे जिनके सर पर कोई नहीं रहता, एक किलोग्राम से कम वज़न के बच्चे जो अदरवाइज सर्वाइव भी नहीं कर सकते, उनको वेंटिलेटर्स पे हम डालते हैं, फिर 3-4 वीक्स के बाद उस काबिल होते हैं कि अपना सांस खुद ले सकें, और फिर उसके बाद हर साल वो अपनी बर्थडे उस हॉस्पिटल में मनाने के लिए आते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके सर पे वालदैन नहीं है, मैं सोचता हूँ वो भी तो ईद मनाते हैं क्या? और ऐसे कितने ही लोग हैं, कितने ही लोग हैं करोड़ों इस मुल्क में इस वजह से कि इकोनॉमिक रिसेशन है, जूते नहीं खरीद के दे सकते बच्चों को ईद ही नहीं दे सकते। हम जब ईदी की बात कर रहे थे तो किसी ने कहा था मुझे 1000 चाहिए, किसी ने कहा था 500, तो मैं ये सोचे अगर ये मैसेज वहाँ तक जाएगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, हमारे बच्चे भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अल्लाह हमें वैसे तो कौम इतना ताकतवर कर दे कि हम इन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। बस खुशी का भी बारिश की तरह कोई ख़ास मकाम नहीं होना चाहिए बरसने का, कहीं भी सबका। Thank you.
रंग रंग मौला रंग रंग दे रे।